ये जीत का हम लोग जीत का जश्न अभी से मना रहे हैं, अभी से जीत का जश्न एकदम। और हम भारी से भारी मोहम्मद से जिता करके भेजने का काम करेंगे। सीतामढ़ी जिला के लिए रामेश्वर महतो एकदम सफिशियंट है और भारी मतों से विजय होना निश्चित हो चुका है। कार्यकर्ताओं का शान और सीतामढ़ी की जान माननीय रामेश्वर कुमार महतो जी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव के तारीख के ऐलान के बाद जश्न शुरू हो गया है। अब आप सोचेंगे ये कैसा जश्न है, तो देखिए चुनाव के पहले बिहार में और देश भर में होली का माहौल है और इस होली के माहौल में आप सबको पता है कि बिहार के राजनीति की होली कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और अब तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी हो गया है, तो भाई हर पार्टी अब आश्वस्त है कि जीत तो हमें ही मिलेगी, लेकिन जीत से पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। चर्चाएं चल रही हैं, उन्हीं में से एक है सीतामढ़ी का लोकसभा सीट। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर कई दावेदारियां चल रही हैं, महागठबंधन के अंदर तो था ही लेकिन एनडीए गठबंधन दल में भी। जदयू की सीट को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जदयू के अंदर भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं, चाहे देवेश सिंह ठाकुर की बातचीत की जाए या फिर जदयू के MLC रामेश्वर महतो की बातचीत की जाए। रामेश्वर महतो के यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और देखिए होली मिलन समारोह के दरमियान ही रामेश्वर महतो को उनके माथे पर तिलक लगा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है तिलक के माध्यम से। और ये तिलक क्यों लगाया जा रहा है, सीतामढ़ी की तमाम जो जनता है एक एक करके पूछेंगे। होली मिलन समारोह चल रहा है, हम लोग माथे पे तिलक लगा रहे हैं, जीत सुनिश्चित है क्या इस बार? बिल्कुल जीत सुनिश्चित है। सीतामढ़ी लोकसभा से हमारे जो नेता है रामेश्वर कुमार महतो, समझिए कि किसान युवा के दिल की आवाज़ है और पूरा सीतामढ़ी समझिए कि रामेश्वर मैं हो गया है और उसी का एक आवाज़ आज होली मिलन समारोह और उनके जन्म उत्सव के साथ हम लोग पटना में मना रहे हैं। और उम्मीद नहीं, मतलब कि 110% मानिए कि हम ही लोग सीतामढ़ी के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा ही सीतामढ़ी के आज़ादी के बाद मतलब विकास पथ पर अक्सर रहे हैं और रहेंगे। सीतामढ़ी के लिए रामेश्वर महतो की जरूरत क्यों है? देखिए सीतामढ़ी के लिए रामेश्वर महतो की जरूरत क्यों है? सीतामढ़ी पिछड़ा दलित शोषित वंचित अति पिछड़ा का जिला रहा है, सबों का नेता वहाँ सब दिन शोषित दलित का पिछड़ा अति पिछड़ा का ही वहाँ कोई बना है। और सीतामढ़ी जिला के लिए रामेश्वर महतो एकदम सफिशियंट है, वो कहीं से कोई दो राय नहीं है, टिकट एकदम फाइनल है। देवेश चंद्र ठाकुर क्या करेंगे? देखिए देवेश चंद्र ठाकुर तो ऐसे बराबर चुनाव आते हैं तो कैंडिडेट हो जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब जब जो है MP का अति हुआ है तो बराबर जो है अपना कैंडिडेट घोषित कर देते हैं, वो भी अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर लेते हैं, स्वघोषित कैंडिडेट। रामेश्वर महतो भी सब स्वघोषित हैं, इनका भी टिकट कहाँ फाइनल हुआ है? ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ के दावेदार हैं। फाइनल अभी किसी का नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं? लेकिन हम लोग सीतामढ़ी से हैं और मांग करते हैं कि सीतामढ़ी हमेशा पिछड़ों का सीट रहा है। और मैं नीतीश कुमार से भी मांग करता हूं कि हम पिछड़ों वर्ग का टिकट दिया जाए और हम भारी से भारी मोहम्मद से जिता करके भेजने का काम करेंगे। लोकसभा जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 110% जाएंगे, क्योंकि सीतामढ़ी जिला जो है अति पिछड़ा का सीट है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि पूरे बिहार में एक भी कुशवाहा समाज से MLC नहीं बनाए, इसीलिए सीतामढ़ी को जो है कि धरती पर लोकसभा के कैंडिडेट के रूप में कुशवाहा समाज से भेजे, इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है सीतामढ़ी सीट पर रामेश्वर महतो को ही सीट जाएगा या फिर BJP चाहती है कि ये सीट सुनील कुमार पिंटू को देकर हम निपटा दें ये सीट को? देखिए सुनील कुमार पिंटू को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए कि BJP भी अपने स्तर पर सर्वे करा चुकी है कि सुनील कुमार पिंटू को वो सीट नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक वो सीट हमें अभी जदयू के खाते में है और जदयू के ही खाते में रहेगी और रामेश्वर महतो जी वहाँ से उम्मीदवार होंगे। फाइनल है पूरा? फाइनल एकदम फाइनल है, जीतेंगे भी? एकदम जीतेंगे, पूरा एकदम विश्वास, एकदम विश्वास है। अच्छा तिलक आप लगा रहे थे, काफी जश्न भी देखा हमने आपका, आप खूब ज्यादा डांस कर रहे थे, ये जीत का हम लोग जीत का जश्न अभी से मना रहे हैं, अभी से जीत का जश्न एकदम पूरा जीत होगा हम लोग एकदम। चार लाख वोट से जीतेंगे हम लोग, 4 लाख वोट, 4 लाख वोट
चुनाव एकदम कंफर्म चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी लोकसभा से और चुनाव जीतेंगे। पूरा फाइनल हो चुका है। कहाँ से हैं आप? हम अभी तो हम पटना से हैं। सीतामढ़ी सीट से इतना इंटरेस्ट जगा हुआ है? इंटरेस्ट है कि बड़ा भाई है और बहुत दिन से लगाव है, करीब 10 वर्ष से ज्यादा से लगाव है उनसे। चलिए देखिए, जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, क्या नाम है भाई आपका? राजवीर राघव। ये बताइए कि क्या स्थिति है सीतामढ़ी में? लोग कह रहे हैं रामेश्वर जी आ रहे हैं, आप तो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, अभी अपने तरफ से सर्वे जरूर कराए होंगे, क्या लग रहा है? देखिए सीतामढ़ी जदयू जो है अति पिछड़ा के सीट है, पिछड़ा के सीट है। कोई वैश्य समाज का कोई भी व्यक्ति आएगा वो रामेश्वर महतो ही क्यों ना हो 110% जीत के जाएंगे। अच्छा जी, तो बाकी लोग जो दावेदारी कर रहे हैं सुनील कुमार पिंटू से लेकर के देवेश ठाकुर तक, क्या होगा उनका? वो तो पार्टी तय करेगा ना, पार्टी को तय करना है, किसी बैकवर्ड को बेटा को देना है, वैसे का सीट है सीतामढ़ी उन्हीं को मिलेगा, जिनको मिलेगा हम लोग पूर्ण बहुमत से उनको जिताएंगे। आप लोग कितना जी जान लगाएंगे इनको जिताने के लिए? हम लोग को जो क्षमता है लगाने का वो तो लगेबे ना करेंगे, पार्टी में हम लोग को जो दायित्व मिलेगा पूरे अपने ही अपने जो भी। चुनाव से पहले इतना बड़ा जश्न मनाना है, क्या संदेश है इसका? ये तो अपने जन्मदिन और होली मिलन का जश्न मना रहे हैं, ये कोई चुनावी मुद्दा का प्रचार नहीं चल रहा है, अपना जन्मदिन और होली मिलन समारोह किए हुए उसमें उनको सीतामढ़ी की सारे जनता जो आए हैं इनको प्यार अपना जो भी हो प्यार वार के मतलब प्यार देने आए हैं अपना इनको। चलिए तो देखिए किस तरीके से होली मिलन समारोह यहाँ पर किया जा रहा है, ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरीके से। कहाँ से हैं सर आप? मैं सीतामढ़ी से हूँ और आज माननीय रामेश्वर महतो जी के जो होली मिलन समारोह और उनके जन्म का जो दिवस है उसका उत्सव मनाने आए हैं, और साथ साथ ये भी आप लोगों के माध्यम से आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं का शान और सीतामढ़ी की जान माननीय रामेश्वर कुमार महतो जी हैं। अगर उनको टिकट हमारे माननीय नेता विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार अगर टिकट देकर सीतामढ़ी भेजते हैं तो भारी मतों से जीत होना तय है। अगर हमारे माननीय नेता आदरणीय रामेश्वर महतो जी को टिकट मिला तो यहाँ जितना हुजूम देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं का, वो कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान उनका चप्पल माथे पर रख के घूमने वाले नेता हैं। और एक नेता जिनका नाम बहुत फोकस चल रहा है कि टिकट कन्फर्म हो गया है, उनके बारे में बोल देते हैं कि वो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले ही कार्यकर्ता आएगा तो कहेगा चप्पल बाहर निकाल के आओ उसके बाद यहाँ अंदर घुसो। लेकिन एक नेता जो चप्पल कार्यकर्ताओं का अपने सर पे कंधे पर उठा के चलने वाला नेता वो माननीय रामेश्वर कुमार महतो है। आज तक MLC परिसर में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं चाहे जितने भी पार्टी के लोग हों, जो पूरे बिहार से माननीय रामेश्वर कुमार महतो जी के लिए हुजूम उमरा है वो जनसैलाब किसी में ताकत नहीं है और नहीं ला सकता है। एक रामेश्वर कुमार महतो जी हैं जो ये हुजूम ला सकते हैं और सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव जीतकर आदरणीय नेता नीतीश कुमार के झोली में सीट रखने का काम करेंगे, न तो बाकी किसी में दम नहीं है। अगर दे के देख ले हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी, हम उस पार्टी के जिला के महासचिव हैं और मांग करते हैं अपने नेता से जिस तरह आपने विकास किया पूरे बिहार को, विकास पुरुष आप बने और विश्वकर्मा की तरह सजा दिए, उसी तरह माननीय नेता रामेश्वर कुमार महतो जी सीतामढ़ी में जगह जगह रोड नाला सामुदायिक भवन चाहे जो सरकार से योजना है वो लाके सजा दिए हैं सीतामढ़ी को और एक संदेश दे दिए हैं कि MLC क्या होता है। और MLC लोग जानता भी नहीं था कि ये कोई पोस्ट होता है, लेकिन रामेश्वर महतो जी ने जाके बता दिया कि MLC भी एक पद होता है और हम माननीय नेता नीतीश कुमार के सिपाही हैं और हम वो विकास पुरुष हैं, हमको विकास करने के लिए भेजे हैं, हम विकास किए हैं। इसीलिए आपके माध्यम से हम अपने नेता से फिर दोबारा मांग करते हैं कि कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान माननीय रामेश्वर कुमार महतो जी हैं, उनको टिकट दे के भेजे सीतामढ़ी और भारी मतों से विजय होना निश्चित हो चुका है। चलिए देखिए, तो कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है होली मिलन समारोह के दरमियान, चूंकि वोट भी है इलेक्शन भी है, डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव सर, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।